हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे बीजगणित की प्रश्नावली 10.2। और इस 10.2 में तो पहला न्यूमेरिकल है क्या है, यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 5 तक के इसमें 5 भाग दे रखे हैं, इन सब के अंदर ये कह रहा है कि अगर m बराबर 2 लें तो इनका मान क्या आएगा, यानी कि किसके बराबर होंगे, किसके इक्वल होगा, ये सारा इसके अंदर आपने बताना है। ये बुक के अंदर थोड़ा प्रिंट नहीं है यहाँ पे कि आपका 5m - 2 - 4 5m/2 / 4 दे रखा है। तो चलिए करते हैं बारी बारी से। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को करते हैं पहले, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और उसमें जो आपकी तो मान रखना हो किसके अंदर रखना है, फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे क्या रखा है इसमें, m माइनस 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, m माइनस 2, इसका मान हमने बताना है। और कब बताना है, जब आप m बराबर 2 रखेंगे तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखने पर, या m की जगह कितना रख दिया हमने, m की जगह रख दिया हमने 2, माइनस क्या है 2, और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 0, शून्य आ जाएगा इसका। तो बस इतना ही करना था इसके लिए, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट इतना ही करना है इसमें। सेकंड जो है, सेकंड में जो बहुपद आपका क्या दे रखा है, 3m - 5, और सभी भाग में, सभी के अंदर हमने m बराबर 2 रखना है, सारे के सारे 5 के 5 भाग है सब में। तो यहाँ भी वही करिए, m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये 3 है, 3m का मतलब 3 की और m की गुणा है, तो m की जगह कितना रख दिया मैंने, m की जगह मैंने रख दिया 2, और माइनस कितना है 5, तो 3 दूनी 6, 6 - 5 कितना आ जाएगा आंसर, कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये हुआ इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो है वो बहुपद क्या दे रखा है आपका, 9 - 5m ये दे रखा है। फिर वही m बराबर 2 रखने पर, बस m की वैल्यू 2 रखते जाओ, उसके बाद देखिए आपका जो भी आंसर आता 5, और m की जगह इतना रख दिया 2 रख दिया, तो 9 - 5 = 10, और 9 - 10 क्या बचेगा आपका, माइनस का 1 बच जाएगा। ये होगा इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो बहुपद है वो क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में, फोर्थ में दे रखा है 3m - 2 और -2m और -7, m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखने पर कैसे करेंगे, देखिए इसको क्या दे रखा है आपका, पहले 3 इसके अंदर रखेंगे, इसमें रखेंगे 3, m की जगह इतना रख दिया 2, यानी कि 2 का वर्ग -2, m की जगह कितना रखना है 2 रखना है, माइनस कितना 7, 3 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट के उसके बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है इनकी गुणा है, यहाँ पे इनकी क्या है गुणा है, और फिर इनकी करेंगे गुणा, 2 * 2 = 4 और माइनस कितना आपका 7, 4 * 2 = 12 -4 और -7। आगे चलिए, ये है आपका 12 -7 और -4, इन दोनों क्या बन जाएगा, माइनस 11 हो जाएंगे, और 12 में से 11 जाएगा आंसर कितना जाएगा इसका 1 आ जाएगा। ये वाइस का फोर्थ पार्ट। पांचवा भाग जो इसका पांचवा, पांचवें भाग में दे रखा है आपका 5m / 2 और -4, ये दे रखा है m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखने पर क्या बनेगा, देखिए 5m, m की जगह कितना रख दिया 2 रख दिया, बटा कितना है 2 और माइनस कितना है 4, 2 * 2 कट जाएगा ये, और 5 * 1 क्या बन जाएगा 5 - 4, और 5 में से 4 का कितना बच जाएगा आपका 1, तो इसका आंसर भी कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी पहले की तरह ही है, वहाँ जो बहुपद किस में दे रखे थे, m में दे रखे थे, यहाँ ये बहुपद किस में दे रखे हैं, 3 बहुपद दे रखे हैं और p के अंदर दे रखा है, और p का मान कितना रखना है आपने, -2 रखना है इनके अंदर, और फिर ये बताना है कि जो आपका व्यंजक दे रखा है उस व्यंजक का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट,
और फर्स्ट पार्ट में जो जो आपका व्यंजक दे रखा है क्या दे रखा है, 4p+7। अब इसके अंदर क्या रखना, p का मान रखना, p बराबर -2 रखने पर ये आपका व्यंजक जो है 4, और p की जगह कितना रख दिया आपने, -2 रख दिया, और प्लस कितना आपका 7। अब बीच में कोई निशान इसका मतलब यहाँ पे क्या है, गुणा है, प्लस के 4 और माइनस के 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और -8 आगे क्या आपका +7 बच जाएगा, क्या यहाँ पे -1 बच जाएगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुई। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में दे रखा है -3p/2 +4p और प्लस कितना है 7। p बराबर -2 रखने पर, -2 रखने पर क्या बनेगा, देखिए -3 और p बराबर कितना है -2/2 और फिर क्या है +4 और p कितना आपका -2, इसकी जगह पे 4p और प्लस क्या आपका 7 है। अब देखिए ये क्या है -3 गुणे -2 का अगर वर्ग करोगे, -2 के वर्ग का मतलब क्या है -2 गुणा -2, -2 और -2 की गुणा करो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा +4 हो जाएगा, और फिर इन दोनों का गुणा इन दोनों में, क्योंकि पता है ना आपको बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग है पहले आपकी गुणा पहले होगी जोड़ या घटा बाद में होगा, तो इनकी +4 और -2 की गुणा करो कितना हो जाएगा -8 और आगे क्या आपका +7 है। और आगे चलिए -3 और -4 की गुणा क्या हो जाएगी -12 हो जाएगा और आगे क्या है -8 और फिर क्या आपका +7। -12 और -8 क्या बन जाएगा -20 हो जाएगा, प्लस कितना है 7 है, और -20+7 अगर करोगे तो किसके बच जाएंगे, माइनस के बच जाएंगे, और कितने बच जाएंगे -13 बच जाएंगे। ये हुआ इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट तीसरे भाग में आपका जो व्यंजक हो क्या दे रखा है -2p/3 -3p/2 +4p और +7 p बराबर -2 रखने पर, p बराबर -2 यहां से शुरू करिए, -2 गुणे p/3 का मतलब क्या हो जाएगा -2/3, फिर ये -3p/2 का मतलब -2/2 प्लस ये वाला 4 और p की जगह कितना -2 और प्लस कितना फिर आपका 7 है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये तो -2 है ठीक है, गुणे -2/3, -2/3 का मतलब क्या होगा -2 गुणे -2 गुणे -2, क्योंकि तीन बार माइनस है के लिए सिंबल तो माइनस का आएगा, पता होगा ना कि अगर -3 बार आए तो -5 बार आए, 7 बार आए, 9 बार आए तो माइनस आएगा। वैसे भी देखो तो -2 और -2 की गुणा करोगे क्या बनेगा +4 और उसके साथ गुणा किसके साथ -2 के साथ, तो अल्टीमेटली गुणा क्या बन जाएगा आपकी -8 हो जाएगी, तो यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे -8। फिर क्या आप यहाँ तक हो गए ये, अब इसका करेंगे, इसका यहाँ क्या है -3 है गुणे -2/2 करेंगे तो -2 गुणा -2 क्या हो जाएगा आपका +4 हो जाएगा। फिर इन दोनों की करते हैं, ये +4 ये -2, प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है माइनस होती है, 4 दोनों कितना हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा और प्लस आपका क्या है 7। अब आगे चलिए -2 और -8 की गुणा क्या हो जाएगी +16 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा क्या होती है प्लस होती है। -3 और +4 की गुणा करोगे -12 हो जाएंगे, फिर आपका क्या ये -8 है, फिर क्या आपका ये प्लस का कितना है 7 है, ये हो गया आपका। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो माइनस के देखिए कितने हो, चाहे प्लस के देख लो, पहले प्लस के कितने 16 है और 7, ये प्लस के दोनों 16 और 7 कितने हो गए आपके 23, और माइनस के कितने -12 और -8, तो माइनस के कितने हो गए 20, बच जाएगा क्या आपका 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या, देखिए निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर कितना हो -1। सेम पहले और दूसरे कितने भैया, यहाँ पे x की जगह आपने क्या रखना है -1 रखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपका तीसरे का फर्स्ट पार्ट, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में दे रखा आपका 2x-7, इसका मान बताना है व्यंजक का, x बराबर कितना लेना है -1, तो
x बराबर माइनस एक रखने पर क्या बनेगा, दो x की जगह कितना रखा माइनस एक, और आगे क्या फिर आपका माइनस सात, दो की और माइनस एक की गुणा करेंगे तो माइनस दो जाएगा, उसके बाद माइनस सात है तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस नौ, इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस नौ। ये हो आपका थर्ड का जो है फर्स्ट पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट उसमें आपका बहुपद दे रखा है, ये ठीक है ना, दो एक्स। थर्ड का सेकंड पार्ट इसको देखते हैं, ये आपका माइनस एक्स प्लस दो, वही एक्स बराबर माइनस एक रखने पर, या माइनस एक्स दे रखा है माइनस, और एक्स की जगह कितना रखना आपने माइनस एक, और आगे क्या है प्लस दो, अब माइनस और माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना है दो, और दो रे कितना हो जाएगा आपका तीन। ये हुआ इसका थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, जिसने क्या दे रखा आपका व्यंजक क्या है, एक्स की दो प्लस दो एक्स प्लस एक, एक्स बराबर माइनस एक रखने पर, एक्स की दो का मतलब माइनस एक की दो, एक्स की जगह हमने माइनस एक रख दिया, फिर दो एक्स यानी कि दो गुणा एक्स की जगह कितना कर दिया माइनस एक कर दिया, और प्लस कितना है एक, माइनस एक का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा, क्यों माइनस भाई बार बार करें, माइनस एक गुणा माइनस एक क्या हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा, और इन दोनों की गुणा करेंगे एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस के दो हो जाएंगे, और प्लस कितना हो जाएगा आपका एक, प्लस के एक और एक कितने हो गए दो, और दो ही माइनस के दो में से दो गया आंसर क्या जाएगा इसका जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा थर्ड का भी। थर्ड का फोर्थ पार्ट जो है, और फोर्थ पार्ट में जो आपका दे रखा है दो एक्स की दो माइनस एक्स और माइनस दो, ये दे रखा है, फिर वही एक्स बराबर माइनस एक रखने पर, रखिए भी दो एक्स की जगह कितना माइनस एक का वर्ग, फिर माइनस एक्स का मतलब माइनस और अंदर क्या रखना है माइनस एक, और आगे कितना आपका माइनस दो, क्या बन जाएगा ये दो माइनस एक का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस कितने हो गया आपके दो, दो एकम दो प्लस एक और माइनस दो, तो प्लस के कितने हो गए आपके दो और एक तीन, और आगे माइनस दो तीन में से दो गया एक। ये आपका हो गया थर्ड का जो है फोर्थ पार्ट। अब करते फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा देखिए, यदि a बराबर दो और b बराबर माइनस दो है तो ये भी पहले दूसरे और तीसरे की तरह, लेकिन यहाँ पे दो मान रखने हैं, जहाँ a है वहाँ दो रख दो, जहाँ b है वहाँ माइनस दो रख दीजिए, और फिर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सेम पहले दूसरे तीसरे की तरह है, बस इसमें फर्क क्या है कि दो मान रखने हैं, आपने a का भी रखना है और b का भी रखना है। तो क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, और जो आपका व्यंजक जो क्या दे रखा है a की दो प्लस b की दो, तो क्या लिखें देखिए, a बराबर दो b बराबर माइनस दो रखने पर, a की जगह कितना रखना दो यानी कि दो की दो प्लस प्लस बी स्क्वायर, b की जगह क्या रखना आपने माइनस दो की दो, ठीक है। अब दो की दो यानी कि दो गुना दो कितना हो जाएगा आपका चार, और माइनस दो की दो ये भी क्या हो जाएगा आपका चार हो जाएगा, चार चार कितने हो जाएंगे आपके आठ। फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में जो आपका व्यंजक जो हो क्या दे रखा है, ए की दो प्लस ए बी प्लस बी की दो, ए बराबर दो बी बराबर माइनस दो रखने पर, ए की जगह दो हुई यानी दो की दो ये वाला, प्लस ए बी, ए कितना आपका दो गुणे बी आपका क्या है माइनस दो, ये ए बी हो गया आपका ए और बी, प्लस बी की दो, बी की दो का मतलब क्या बी आपका क्या है माइनस दो, तो क्या हो जाएगा माइनस दो की दो हो जाएगा। अब दो की दो कितना बन जाएगा चार, और इन दोनों की गुणा करोगे एक प्लस का एक माइनस का देखा जो माइनस चार हो जाएगा, और माइनस दो का वर्ग क्या हो जाएगा आपका चार हो जाएगा। आगे देखिए अब चार और चार कितने हो गए प्लस के आठ हो गए, और माइनस कितना है चार, तो आठ में से चार के कितना आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा आपका चार आ जाएगा। और ये हमारा जो है इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट है, सेकंड पार्ट था। अब फोर्थ का थर्ड पार्ट, उसमें क्या दे रखा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मान बताना है। क्या लिखेंगे देखिए, ए बराबर दो और बी बराबर माइनस दो रखने पर चलिए हम मान रखते हैं ए स्क्वायर का मतलब दो का स्क्वायर यानी कि दो की दो, माइनस बी की दो का मतलब क्या है, माइनस दो की दो। अब दो का वर्ग करोगे दो गुना दो चार, माइनस माइनस दो का वर्ग भी क्या हो जाएगा, प्लस चार ही हो जाएगा, और चार में से चार जाएगा, आंसर क्या जाएगा आपका जीरो। तो ये आपका जो होगा फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा तीन ही पार्ट है इसके। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम चौथे की तरह है, ए बराबर जीरो और बी बराबर माइनस एक है तो दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। सेम चौथे की तरह इसमें भी ए और बी की दो वैल्यू रखने हैं आपने, ए की जगह जीरो रखना है और बी की जगह रखना हमने माइनस एक रखना है। तो चलिए करते हैं इसका पांचवें का फर्स्ट पार्ट, और उसमें आपका जो व्यंजक हो क्या दे रखा है, दो ए प्लस दो बी, दो ए प्लस दो बी रखना क्या हमने, ए बराबर जीरो और बी बराबर माइनस एक रखने पर। ठीक है भाई, अब पहले दो ए, ए की जगह क्या रख दिया जीरो, प्लस दो बी, बी की जगह इतना रखा माइनस एक, दो की जीरो के साथ गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, और प्लस दो और माइनस एक की गुणा करेंगे माइनस दो हो जाएगा, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइनस दो हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ भाई। सेकेंड पार्ट जो है उसमें आपका व्यंजक क्या दे रखा है, दो ए की दो प्लस बी की दो और प्लस एक, वही ए बराबर जीरो और बी बराबर माइनस एक रखने पर, माइनस एक रखने पर। तो इसमें क्या होगा देखिए, आपका दो ए की दो का मतलब क्या है, जीरो की दो, प्लस बी की दो का मतलब क्या है, माइनस एक की दो, और प्लस क्या आपका एक, दो गुण जीरो की दो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, और माइनस एक की दो करोगे क्या हो जाएगा आपका, प्लस एक हो जाएगा, ये आपका क्या है, एक है ही। तो दो की जीरो के साथ गुणा करोगे जीरो, प्लस एक, प्लस एक, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक और कितना हो जाएगा आपका, ये दो हो जाएगा सेकंड पार्ट। अब पांचवें का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, दो ए की दो बी प्लस दो ए बी की दो और प्लस क्या आपका ए बी, ए बराबर जीरो बी बराबर माइनस एक रखने पर, दो इसमें रखेंगे पहले, ए की दो का मतलब क्या है, जीरो की दो इंटू बी, बी कितना आपका माइनस एक, ये तो इसकी जगह लिखा भाई इसकी जगह, फिर इसका प्लस दो ए की जगह कितना रखा हमने जीरो, फिर बी की दो का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एक की दो, ये इसकी जगह ये हो गया, फिर क्या आपका प्लस ए बी, प्लस ए बी, ए कितना हमारा जीरो और बी कितना हमारा माइनस एक। चलो इनको देखिए सॉल्व करते हैं, ये क्या बनेगा देखिए, दो जीरो की दो क्या हो जाएगा जीरो और गुणा किसके साथ आगे, फिर आपका माइनस एक के साथ, प्लस ये क्या हो जाएगा दो गुना जीरो माइनस एक का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा, और प्लस ये क्या आपका जीरो गुना माइनस एक है ये। तो अब किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा कर दे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये वाली भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, और ये वाली भी क्या हो जाएगी जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट का जीरो। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ए की दो प्लस ए बी प्लस दो, ए बराबर जीरो बी बराबर माइनस एक रखने पर, ए की दो का मतलब जीरो की दो, प्लस ए बी यानी ए और बी की गुणा, ए जीरो और बी आपका क्या है माइनस एक है, और प्लस कितना है दो, अब जीरो की दो करोगे जीरो रहेगा, इनकी गुणा करोगे जीरो के साथ किसी भी संख्या की गुणा करो जीरो हो जाएगी, और प्लस दो, तो आंसर क्या जाएगा इसका दो आ जाएगा इसका आंसर। जो ये हमारा जो है हो गया है क्वेश्चन पाँच कंप्लीट हो गया यहाँ पे। छठा क्वेश्चन देखिए, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान क्या है दो। पहले तो इन व्यंजकों को सरल करना है एक से लेकर चार तक, और फिर सरल करने के बाद x का मान उसके अंदर क्या रखना है दो, और दो मान रखने के बाद
इसका क्या मान आएगा वो हमने बताना है इसके अंदर। तो फर्स्ट जो है छठे का फर्स्ट वो क्या दे रखा आपका x प्लस सात और प्लस चार इंटू एक्स माइनस पांच। तो पहले तो इस व्यंजक को सरल करते हैं, सरल कैसे होगा देखिए, ये x प्लस सात है और इसको ब्रैकेट में खोलेंगे भी, चार की पहले x के साथ गुणा करेंगे फिर चार की माइनस पांच के साथ गुणा करेंगे, कैसे चार के x के साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा चार एक्स प्लस चार की गुणा किसके साथ करेंगे माइनस पांच के साथ, क्या बन जाएगा ये x प्लस सात प्लस चार एक्स और इन दोनों की गुणा कितनी बन जाएगी आपकी माइनस बीस हो जाएगी। ठीक है, अब इनको इकट्ठे कर लीजिए, ये x है और ये प्लस के चार एक्स है, चार और एक क्या हो जाएगा आपका पांच एक्स हो जाएगा, ये प्लस के साथ हैं ये माइनस के बीस है तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका माइनस का क्या बच जाएगा तेरह। ये तो होगी सरल, आपकी क्या बनेगी सरल होने के बाद पाँच एक्स माइनस तेरह हो गई, पाँच एक्स माइनस तेरह। अब इसके अंदर x का मान रखना है, तो x बराबर दो रखने पर, x बराबर दो रखने पर ये वाली क्या बन जाएगी पाँच, x की जगह दो रख दिया और माइनस कितना तेरह, पाँच दूनी कितना हो जाएगा दस माइनस तेरह और दस माइनस तेरह किसके बराबर हो जाएगा आपका माइनस तीन के बराबर। छठे का वो आपका जो है छठे का फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में देखिए जो व्यंजक दे रखा है, पहले तो व्यंजक को हमने क्या करना है सरल करना है, तो सरल करेंगे तीन की एक्स के साथ गुणा करेंगे तीन एक्स, तीन की और दो की गुणा करेंगे तीन दूनी छः, उसके बाद आगे क्या आपका पाँच एक्स और फिर आपका क्या है माइनस के सात है। अब इनको देखिए जोड़ करेंगे तो तीन एक्स और पाँच एक्स क्या हो जाएगा आपका आठ एक्स, ये प्लस के छः और माइनस के साथ क्या बच जाएगा आपका माइनस का एक, ये तो सरल हो गया अभी। फिर इसके अंदर वही x का मान रखना है, तो x बराबर दो रखने पर, x बराबर दो रखने पर इसमें रखेंगे आठ, x के लिए कितना रख दिया दो माइनस कितना है एक, आठ दूनी सोलह, सोलह माइनस एक आंसर कितना हो जाएगा इसका पंद्रह हो जाएगा। ये हुआ छठे का सेकेंड पार्ट। छठे का थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में दे रखा है छ एक्स प्लस पांच इंटू यानी ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस दो। पहले इसको सरल कीजिए, छ एक्स वैसे कैसा पांच की एक्स के साथ गुणा करेंगे पांच एक्स, पांच की और माइनस दो की गुणा करेंगे पांच दूनी दस, छ और पांच क्या हो गया आपके ग्यारह एक्स और माइनस कितना है दस। एक्स बराबर दो रखने पर, एक्स बराबर दो रखने पर इसमें रखेंगे भी 11, एक्स के लिए कितना रख दिया दो माइनस कितना दस, तो 11 दूनी 22 माइनस दस और 22 में से 10 जाएंगे आंसर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट का आ गया 12 भी। फोर्थ पार्ट, छठे का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में जो है वो व्यंजक दे रखा आपका 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3x और प्लस 11। सोल्व करिए इसको, 4 दूनी 8x हो जाएगा, 4 को माइनस 1 की गुणा माइनस 4 हो जाएगा प्लस 3x और प्लस कितना आपका 11। 8x और 3x क्या हो जाएगा 8 और 3 11x और 11 में से 4 जाएंगे क्या जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा भी। 11x प्लस 7 ही आपकी सोल्व हो गई। x बराबर दो रखने पर, x बराबर दो रखने पर तो क्या था आपका 11 था, x की जगह दो और प्लस कितना 7, 11 दूनी 22 प्लस 7, 22 और 7 कितना हो गया आपका 29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा छठे का फोर्थ पार्ट में। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां इन व्यंजकों को सरल कीजिए, यानी पहले छठे कितने हैं ये भी तथा इनके मान ज्ञात कीजिए, फिर उन व्यंजकों के मान बताने हैं। जब x बराबर तीन, a बराबर माइनस एक और b बराबर माइनस दो, यानी कि आपने तीन मान रखने, किस किस के, x का रखना है, a का रखना है और किसका रखना है b का रखना है, पांच पार्ट दे रखे इसमें मेरिकेट के। करते हैं बारी बारी से इनको, तो ये आपका सातवें का फर्स्ट देखिए, सातवें के फर्स्ट के अंदर व्यंजक जो क्या दे रखा है तीन एक्स माइनस पाँच, तीन एक्स माइनस पाँच माइनस एक्स प्लस नो। तो पहले तो सरल करना है,
तो सर करेंगे देखिए क्या होगा, ये 3x और ये माइनस एक्स, 3x में से अगर आपका एक माइनस घट जाए थोड़ा जचा लो बेसक जाए ऐसे, 3x ये माइनस एक्स लिख दिया, फिर आपका माइनस पाँच और प्लस के नो थोड़ा इकट्ठा कर दिया हमने थोड़ा सा। अब देखिए 3x में से x जाएगा क्या बच जाएगा 2x, और 9 में से 5 जाएंगे क्या बच जाएगा प्लस के 4। अब मान क्या रखना था आपने इसके अंदर, x बराबर 3, a बराबर माइनस 1, b बराबर माइनस 2, लेकिन यहाँ तो सिर्फ x अकेला, तो सिर्फ यहाँ किसका रखना पड़ेगा आपको, x का ही रखना पड़ेगा, जो दे रखा मान तो वही रखेंगे ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा कहाँ से रखें। तो यहाँ रख देते, देखिए x बराबर कितना लेना था हमने इसमें, x बराबर 3, तो x बराबर 3 रखने पर a और b तो इसके अंदर है ही नहीं, तो 2 x की जगह कितना रखा 3, और प्लस कितना आपका 4, 2 3 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 10। ये छठे का आपका फर्स्ट पार्ट भी, छठे का सेकंड पार्ट देखिए, सातवें का, सातवें का आप सेकंड पार्ट देखिए, व्यंजक क्या दे रखा है इसके अंदर, 2 माइनस 8x प्लस 4x और प्लस कितना दे रखा 4। पहले इकट्ठा कर लेते हैं x को, जो आपके अचर राशि है उसको, माइनस 8x और प्लस 4x इनको कर दिया इकट्ठा, और इनको इकट्ठा कर दिया किसको, प्लस 4 और प्लस 2, माइनस के 8 और प्लस के 4 क्या बच जाएगा, माइनस के 4x बच जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। x बराबर फिर अकेला x और कुछ है ही नहीं, तो x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर देखिए यहाँ रखेंगे माइनस 4, x की जगह कितना रखा अभी 3, और प्लस कितना आपका 6, 4 3 क्या हो जाएगा आपका माइनस के 12, और प्लस कितना है 6, 12 में से 6 के क्या बच जाएंगे माइनस के 6, ये हो जाएगा सातवें का सेकंड पार्ट। सातवें के थर्ड पार्ट में दे रखा 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1, तो पहले तो a को इकट्ठा कीजिए 3a माइनस 8a, और अचर राशि को अलग कर दीजिए 5 प्लस 1, 3a और माइनस 8a क्या बच जाएगा माइनस का 5a, और प्लस कितना है 6। अब यहाँ देखिए ये बहुपद a में है आपका, तो इसके अंदर x नहीं और b नहीं, तो यहाँ सिर्फ हमने किसका भरना है, a का मान भर देंगे, क्योंकि दे रखे ना x का भी दे रखा है, a का भी दे रखा है, और b का भी दे रखा है, तो ये व्यंजक आपका a में है, तो a का मान रखना सिर्फ, तो a बराबर, और a बराबर कितना रखना था हमने माइनस 1, a बराबर माइनस 1 रखने पर क्या बनेगा ये वाला, इसका मान माइनस 5, a की जगह क्या रख दिया माइनस 1, प्लस कितना है 6, माइनस 5 और माइनस 1 की गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना 6, 6 और 5 क्या हो जाएगा इसका आंसर 11 हो जाएगा, अभी सातवें के थर्ड का हो जाएगा 11, सातवें के थर्ड का 11। अब सातवें का फोर्थ जो है, और फोर्थ में दे रखा है 10 माइनस 3 भी, ये देखो बी आ गया इसके, 10 माइनस 3 भी माइनस 4 और माइनस 5 भी, पहले इनको बी को इकट्ठा कर लेते हैं माइनस 3 भी और ये माइनस 5 भी, और फिर असल राशि आपकी एक 10 है और दूसरी आपकी क्या है माइनस 4 है, माइनस 3 भी और माइनस 5 भी कितने हो जाएंगे माइनस के 8 भी हो गए, और 10 में से 4 जाएगा प्लस का कितना हो गया आपका 6 हो गया, और अब इसके अंदर जो है बी का मान रख दीजिए, और बी का मान कितना लेना हमने माइनस 2 लेना है, तो बी बराबर माइनस 2 रखने पर क्या बन जाएगा माइनस 8, बी की जगह कितना ले लिया माइनस 2, और प्लस क्या आपका 6, माइनस 8 और माइनस 2 की गुणा करेंगे प्लस 16 हो जाएगा, और प्लस कितना आपका 6, और 16 और 6 आंसर कितना हो जाएगा इसका 22। सातवें का फोर्थ पार्ट, सातवें का पांचवा भाग जो पांचवा, वो आपका दे रखा है 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 और प्लस a, इसके अंदर देखिए a और b दो आ गई भी, a और b, यहाँ पे a भी रखेंगे और b का भी रखेंगे, पहले तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ये 2a है, इस a को यहाँ लिख देता हूँ प्लस a, फिर आपका क्या है माइनस 2b है, और माइनस 5 और माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका माइनस 9। ये कहते हैं पहले तो इनको व्यंजक को सरल करना है, तो सरल कर रहे हैं, पहले तो इनको 2a और a क्या हो जाएगा आपका 3a, और माइनस 2b और माइनस कितना 9। अब a बराबर कितना रखना था हमने, ए बराबर रखना था माइनस 1,
ए बराबर माइनस एक और बी बराबर माइनस दो रखने पर रख दीजिए अभी तीन ए, ए की जगह इतना रख दिया माइनस एक, माइनस दो बी, बी की जगह रख दिया माइनस दो, और माइनस कितना है नौ है, इन दोनों की गुणा करेंगे तीन एकम क्या हो जाएगा माइनस तीन हो जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो दूनी चार और माइनस के कितने हो गए आपके नौ हो गए। अब माइनस के तीन ये हैं, माइनस के नौ ये हैं, नौ और तीन माइनस के हो गए बारह, और प्लस कितना आपका चार, बारह में से चार घटाएंगे आठ, किसका बचेगा माइनस का, जिसके ज्यादा है उसका बचेगा, ये आपका हो गया सातवें का पांचवा पार्ट, और इस ढंग से आपका जो है ये सातवां क्वेश्चन कंप्लीट है। आठवां क्वेश्चन जो है इसके दो पार्ट दे रखे हैं, आठवां देखिए आप, आठवें में दे रखा है पहले पार्ट में, यदि z बराबर 10 है तो z की 3 माइनस 3 इंटू जेड माइनस 10 का मान ज्ञात कीजिए। आप चाहो तो इसके अंदर सीधी वैल्यू रख दें z की, और चाहो तो पहले z को आप इसको सोल्व कर लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि इसने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि पहले बहुपद को हल कीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो करते हैं आठवें का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो आपका व्यंजक वो क्या दे रखा है, जेड की तीन और माइनस तीन इंटू जेड माइनस दस, ये दे रखा आपका व्यंजक में जो। तो देखिए सीधा मान रख देते हैं, जेड का मान कितना रखना है इसके अंदर, दस रखना है, तो जेड बराबर दस रखने पर, जेड बराबर दस रखने पर, जेड की तीन का मतलब क्या हो जाएगा, दस की तीन माइनस तीन, ब्रैकेट के अंदर जेड की जगह इतना रख दिया दस, और आगे क्या है माइनस दस, दस की तीन का मतलब दस गुना दस गुना दस क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, माइनस तीन गुणे दस में से दस जाएगा क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1000 माइनस जीरो, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 1000। तो आठवें के फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा 1000। सेकेंड पार्ट देखिए आठवें का, यदि पी बराबर माइनस दस तो पी की दो माइनस दो पी माइनस सौ का मान ज्ञात कीजिए। पहले कर रखी सारा उन्हीं जैसा, ये अलग कुछ नहीं है, तो लिख दिया मैंने पी की दो माइनस दो पी और माइनस सौ का हमने मान बताना है, और रखना क्या है पी बराबर माइनस दस, तो पी बराबर माइनस दस रखने पर, पी की दो का मतलब माइनस दस की दो, माइनस दो पी, पी का मतलब क्या है माइनस दस, और उसके बाद आपका क्या है माइनस सौ, माइनस दस की दो का मतलब माइनस दस गुणा माइनस दस, और माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगा प्लस सौ हो जाएगा, और ये दोनों माइनस की ये भी क्या हो जाएंगे दस दोनों बीस हो जाएगा, और माइनस कितना आपका सौ, ये दोनों प्लस के हैं सौ और बीस क्या हो जाएगा एक सौ बीस, माइनस कितना सौ, एक सौ बीस में से सौ जाएंगे आंसर कितना आ जाएगा आपका बीस आ जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन आठ यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन, नौवें में क्या दे रखा है, यदि एक्स बराबर जीरो पर दो एक्स की दो प्लस एक्स प्लस ए का मान पाँच के बराबर है, यानी अगर इसके अंदर एक्स बराबर जीरो रख दें ना, तो इसका मान किसके बराबर है पाँच के बराबर है, तो आप ए का मान क्या होना चाहिए, ए का मान बताना है इसके अंदर क्या होना चाहिए अगर ऐसा है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर नौ जो है, और दे क्या रखा है कि नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन नौ दे रखा आपका दो एक्स की दो प्लस एक्स माइनस ए, ये कहते हैं पांच के बराबर हो जाता कब, जब 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 आपका एक्स किसके बराबर है जीरो के बराबर है, यानी कि ये मान पांच के बराबर हो जाता है कब, जब एक्स एक्स का मान आप कितना ले लें जीरो ले लें, तो कहते हैं उस फिर ए का मान बताइए भी, ए का मान क्या होगा, तो देखिए दो एक्स की दो का मतलब क्या कर दे जीरो की दो, ये तो कहा है कि एक्स बराबर जब जीरो हो, तो मैंने वहाँ लिख दिया है, चाहे यहाँ लिख देते हैं एक्स बराबर जीरो रखने पर, प्लस एक्स एक्स की जगह क्या आपका जीरो, माइनस ए बराबर क्या आपका पाँच, तो ये दो गुना जीरो करेंगे क्या हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो, माइनस ए बराबर पाँच, या ये कह दें कि माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका पाँच, और इसको क्या लिख सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस पाँच, यही निकालना था कि ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी माइनस पाँच आएगी। अब करना इसका जो है दसवां क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन देखिए क्या है,
व्यंजक दो इंटू ए की दो प्लस ए बी प्लस तीन माइनस ए बी को सरल कीजिए, यानी पहले तो इसको सरल करना है और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 हो और b बराबर माइनस 3 हो। यानी पहले तो इस व्यंजक को सरल करना है और सरल करने के बाद इसके अंदर a की और b के मान को रखना है और वो मान रखने के बाद इस व्यंजक का मान क्या आता है वो हमने बताना है इसके अंदर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका दसवां क्वेश्चन, दसवें क्वेश्चन में व्यंजक क्या दे रखा है, दो इंटू ए की दो प्लस ए बी और प्लस तीन और माइनस ए बी। पहले तो इसको व्यंजक को सोल्व करते हैं, इसमें दो की ए की दो के साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, दो ए की दो हो जाएगा, ठीक है। दो की ए बी के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दो ए बी हो जाएगा। फिर आपका कितना है प्लस तीन है, फिर आपका क्या है माइनस ए बी है। थोड़ा सा इनको जंचा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, दो ए की दो प्लस दो ए बी, इस माइनस ए बी को इसके पास ले हम और प्लस तीन यहाँ लिख दिया, दो ए की दो, ये दो प्लस के दो ए बी और माइनस के ए बी क्या बच जाएगा, प्लस का ए बी बच जाएगा, एक तो घट जाएगा इसमें से और प्लस कितना तीन। ये तो आपका व्यंजक सरल हुआ पहले भी। अब इसका मान बताना आपने कब, जब ए बराबर पाँच, ए बराबर पाँच और बी बराबर माइनस तीन रखने पर, रख दीजिए अभी दो ए की दो, ए की दो का मतलब क्या हो जाएगा पाँच की दो प्लस ए बी, ए कितना आपका पाँच और बी आपका कितना है माइनस तीन और प्लस कितना है तीन बराबर दो, पाँच की दो यानी पाँच गुना पाँच कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा और इन दोनों की गुना एक प्लस का एक माइनस का तो क्या हो जाएगा माइनस के पंद्रह हो जाएंगे और प्लस कितना आपका तीन, पच्चीस दूनी पचास और माइनस के पंद्रह और प्लस कितना तीन, इनको इकट्ठा कर दो भाई, पचास और तीन कितना हो जाएगा आपका तिरपन प्लस के और माइनस के कितने पंद्रह और तिरपन में से जब पंद्रह को घटाओगे आपका कितना बच जाएगा ये अड़तीस। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट है, दो ही एक्सरसाइज थी, चैप्टर भी कंप्लीट है आपका। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।